Hello everyone. Yesterday we have started our topic beta that what are the changes. We have started that elements of NAP. Under that we have finished our industrial sector reform ki industries mein kaun kaun se liberalization policy aayi. Then second point, financial sector reform also we have finished. Now third topic today we are going to start, that is tax reform. Tax reform means टैक्सेस में क्या चेंजेस करी गई गवर्नमेंट के द्वारा. जैसे पहले टैक्स दो टाइप के लिए जाते थे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मीनिंग्स यू आर नोइंग बेटा, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. मालूम है मीनिंग की नहीं मालूम है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते. जैसे आपकी इनकम टैक्स, तो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है तो आप ही को पे करना पड़ेगा, आप किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते हो. तो उस टैक्स को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, तो आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. वेल्थ टैक्स, आपके पास जितनी मनी है उस पर टैक्स देना पड़ेगा. तो वो टैक्स जो हम किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिसके पास जो चीज़ है उसी को वो टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट टैक्स इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स. सो वी आर सेइंग द मीनिंग टैक्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर, द बर्डन ऑफ द टैक्स विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द अदर पर्सन, दैट टैक्स इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स. सेकेंडली इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन. आप सबको मालूम है यू ऑल आर ऑल्सो पेइंग टैक्स. अभी आप कुछ अर्न नहीं कर रहे बट देन ऑल्सो यू आर पेइंग टैक्स. मालूम है कि नहीं? How you are paying tax? Tell me. Very good. So if we are purchasing something, suppose you have purchased your book, even small chocolate, dairy milk, whatever, even for any eatable items, for purchasing anything for your basic amenities, whatever you are purchasing, on that wrapper you see it was written including taxes. सब पे लिखा होता है include tax, include tax. So that tax जो include है वो tax होता है indirect tax. मेनली ये टैक्स किसको पे करना रहता है? मैन्युफैक्चरर को. बट वो अपना टैक्स हम सब पे थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट कर देता है. सपोज़ अगर आपने 1 रुपी वाली चॉकलेट खरीदी, तो वो 1 रुपी वाली चॉकलेट में हमें नहीं मालूम हमने कितना परसेंट टैक्स दिया, बट हमने टैक्स दिया इतना हमें मालूम है. तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट वो प्रोड्यूसर हर कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है और उसका टैक्स अमाउंट आ जाता है. तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स, उसने अपना टैक्स किस पे शिफ्ट कर दिया? प्रोड्यूसर ने अपना टैक्स कस्टमर्स पे शिफ्ट कर दिया. और कस्टमर्स वो टैक्स पे करते हैं जिससे वो इकट्ठा करके गवर्नमेंट को पे कर देता है. सो द टैक्स विच कैन बी ट्रांसफर ऑन द अदर पर्सन, हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, दैट टैक्स इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स में पहले लगता था सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है. अब ये सारे टैक्सेस तो बंद हो गए, इन सब को मर्ज कर एक टैक्स बना लिया गया है जिसको क्या नाम दे दिया गया है? जीएसटी. लास्ट ईयर प्रोजेक्ट बनाया होगा ना किसी ने जीएसटी का? तो जीएसटी क्या है किसी को मालूम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द टैक्स विच इज लेविड ऑन द गुड्स by the producer through the customer, that tax is called as GST. It is the other name of indirect tax. Sare indirect tax, variety of indirect tax before it was charged. So that tax is was sum total. Sare taxes ko plus karke they had made a single tax, and that single tax is called as GST. Clear that thing? So what is GST is clear to everyone now? इतना समझ में आ गया ना बेटा? तो अब क्या चेंजेस करी गई टैक्स रिफॉर्म में? तो टैक्स रिफॉर्म में क्या चेंजेस करी? प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर वाज क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स. तो लिबरलाइजेशन चालू होने से पहले टैक्स स्ट्रक्चर जो था कॉम्प्लेक्स था, टैक्स रेट बहुत हाई थे. तो जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थे तो लोग टैक्स देते ही नहीं थे, टैक्स इवेशन करते थे. टैक्स इवेशन का मतलब क्या है? टैक्स छुपा कर रखना.
आप अपनी इनकम कम बताओगे तो आप टैक्स पे नहीं करोगे, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स इवेशन. तो व्हेन हाई रेट ऑफ टैक्स इज देयर, सो कस्टमर्स और द पब्लिक इज़ नॉट रेडी टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, दे आर डूइंग द टैक्स इवेशन, दे आर शोइंग लेस इनकम. बट नाउ वॉट चेंजेस दे हैव डन, दे हैव रिड्यूस द टैक्स रेट. अब इनने टैक्स रेट कम कर दिया है, तो जब टैक्स रेट कम कर दिया है तो इसके कारण पर्सन्स आर रेडी टू पे द टैक्स. जैसे अभी क्या हो गया, पहले था 1,80,000 के बाद जिसकी भी साल भर की इनकम है उसको टैक्स देना पड़ेगा. धीरे धीरे वो बढ़ाकर 2,50,000 कर दी. अब कर दिया है कि 3,00,000, जिसकी इनकम 3,00,000 है उसको तब तक कोई टैक्स नहीं देना है. 3,00,000 से ज़्यादा जो अर्न करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा. तो ये टैक्स में चेंजेस करते जा रहे हैं, पॉलिसीज चेंज करते जा रहे हैं, कुछ लिबरलाइजेशन करते जा रहे हैं, जिसके कारण पर्सन्स आर रेडी टू पे द टैक्स एंड द इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम. क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आके टैक्सेस के थ्रू ही आता है, तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है. विच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर अदर अदर थिंग्स. सो दैट टैक्स रिफॉर्म्स वर डन, दैट टैक्स चेंजेस दे हैड डन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर 1991. दिस टॉपिक इज क्लियर बेटा? ओके. So now they have given something more about GST, as in accounts last year you have studied GST. So want to listen once again, or you can read and you can understand by yourself. बताओ, लास्ट ईयर हमने जीएसटी का एक चैप्टर पढ़ा था, मैरिट्स डीमैरिट्स, किस गुड्स पे कितना टैक्स रखता है, 0% कौन से हैं, 18% कितने हैं, 5% कौन सा है. समझा दूँ शॉर्ट में? ओके, सुन, लिसन देन. जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर कंट्री गवर्नमेंट टू सबमर्ज ऑल द टैक्सेस, ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड मेक इट वन, जिसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म टैक्स. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा टैक्स, वन टैक्स, वन नेशन, वन मार्केट, ये रूल बना दिया गया है, स्लोगन है कि हमारी कंट्री में एक ही टैक्स लगेगा, हमारे नेशन में एक टैक्स लगेगा, हमारे मार्केट में एक टैक्स लगेगा. तो जीएसटी से गवर्नमेंट क्या चाहती है, ताकि टैक्स इवेजन ख़त्म हो जाए, लोग टैक्स देना छुपाना बंद कर दें और टैक्स देना चालू कर दें, क्योंकि एक ही टैक्स लग रहा है, तो इसीलिए ये सिस्टम चालू करा गया. जीएसटी मेन जो है टैक्स एग्जेम्प्ट कर, कुछ चीज़ों पर अलग अलग कैटेगरीज पे जीएसटी के रेट अलग अलग है. कुछ गुड्स हैं जिन पे बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी लगता ही नहीं है, वो है सैनिटरी नैपकिन्स, फोर्टिफाइड मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो इन चीज़ों पे आपका टैक्स नहीं लगता. कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन पे 5% लगता है. बटर, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन पे 12% लगता है. पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स एंड डिटर्जेंट्स, इन में 18% लगता है. ऑटोमोबाइल्स, डिश वॉशर, वेंडिंग मशीन, इन पे 28% लगता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट है. जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब आप कोई एक जन टॉपिक लेना तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी. ये तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इनने, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जीएसटी के, बता सकते हो आप? नहीं तो सुनो, जीएसटी से पहला फ़ायदा ये हुआ कि जीएसटी टोटल वैल्यू पे नहीं लगती, वैल्यू एडिशन पे लगती है. कितना एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को वैल्यू ऐड करके भेजा, क्योंकि ये हर दुकानदार को टैक्स पे करना रहता है. तो हर दुकानदार, जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने 200 रुपये में सामान ख़रीदा, अब मैंने आगे उसको 400 में बेचा, 300 में बेचा, तो मैंने 200 पे टैक्स दे चुकी हूँ. अब मैंने 200 की चीज़ 300 में बेची तो कितना वैल्यू एडिशन करा, 100 रुपये. तो दूसरा वाला किस पे टैक्स देगा, 100 रुपये में, ठीक है? तो हर दुकानदार जितना चैनल जाएगा सबको. अब उसने 300 की चीज़ आगे जाकर 600 में बेची, तो वो बताओ किस पे टैक्स देगा, 600 पे कि कितना एडिशन हो रहा है? यस, 300 पे टैक्स देगा. तो पहला फायदा ये है कि इस पे टोटल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगता, वैल्यू एडिशन पे लगता है, जिससे दुकानदारों पे बर्डन कम हो जाता है. तो इसीलिए अब लोग तैयार रहते हैं जीएसटी देने के लिए. सेकंड, गुड्स प्रोड्यूस होने से जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है, हर लेवल पे टैक्स लगेगा, कि तो ये वैल्यू एडिशन कहला रहा है,
क्योंकि बीच में बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो माल खरीदते हैं, और कस्टमर तक पहुंचने में लंबी प्रोसेस होती है। जैसे लास्ट ईयर बिजनेस में पढ़ा ही है, होलसेलर, रिटेलर, बीच में डबल रिटेलर, फिर कमीशन होल्डर्स। तो ऐसे जब तक कस्टमर के पास नहीं पहुंच रहा, हर चैनल पे, हर डेस्टिनेशन पे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। GST इज पेड बाय प्रोड्यूसर। मेनली इसको पे किसको करना रहता है? प्रोड्यूसर को, जिसने गुड्स बनाया है। किसको पे करना रहता है? गवर्नमेंट को। अब मेन मैरिट इसकी क्या है? ये वन टैक्स है जो अब यूनिफॉर्म टैक्स बन गया है, जो पूरी कंट्री में हर जगह लगता है, इसीलिए हमारी कंट्री ने भी GST चालू कर लिया। सेकेंड, GST रिफंड भी हो जाता है। बाई चांस अगर हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तो उन लोग रिफंड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो इससे ब्लैक मनी रिड्यूस हो गई है। हम अभी भले ही ज़्यादा दे दिया है, उसके बाद पूरा चेक होता है और हमारे अकाउंट में मनी रिफंड हो सकती है। फिर ये एक यूनिफॉर्म टैक्स है जो पूरी कंट्रीज़ में लगता है, इसलिए मार्केट साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर मार्केट में, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में GST लगता है। हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इसीलिए वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है, यहाँ पे करप्शन चीटिंग के चांसेस कम है। तो ये हमारा मैरिट है। डीमैरिट, फर्स्ट डीमैरिट क्या है? GST इज येट टू कवर ऑल गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। अभी आपने देखा GST सारे गुड्स पे नहीं लग रहा, मगर धीरे धीरे ये है कि अभी इसको सारे गुड्स पे लगाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोल सब प्रोडक्ट्स हैं जिसमें तो बहुत आउट ऑफ एम्बेड GST है, मतलब बहुत हाई रेट ऑफ GST लग रही है, 28% GST लग रही है। फिर GST रेट अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टिल नॉट फाइनली सेटल्ड। तो अभी भी अलग अलग गुड्स हैं जिन पे रेट इनने सेटल नहीं करे हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे बहुत कम है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है, इसके लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं तो लोग करना नहीं चाहते जिसमें हाई GST लगता है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर नाउ GST बेटा? अब बताओ लिबरलाइजेशन में आपने कितने फैक्टर्स पढ़ लिए चेंजेस के? पहले किसमें लिबरलाइजेशन हुई है, क्या पढ़ा आपने? सबसे पहला फैक्टर जिसमें लिबरलाइजेशन हुई है, यस। सेकंड किसमें लिबरलाइजेशन हुई है, और थर्ड अभी हमने पढ़ा कौन सा? तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब फोर्थ इसमें लिबरलाइजेशन हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। मतलब फॉरेन कंट्री के साथ जब बिजनेस हो रहा है तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुई हैं, तो उसको कहा गया है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है, तो वो समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर टू रिजॉल्व BOP क्राइसिस। BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मगर इसका मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है? नहीं? सुनो, जैसे हमारी कंट्री इंडिया ने अमेरिका को 2000 करोड़ रुपीस के गुड्स सोल्ड करे हैं, मतलब एक्सपोर्ट करा है, और हमने उनके यहाँ से 1,80,00,000 रुपीस का सामान इम्पोर्ट करा है। तो अब बताओ कितनी मनी हमें देनी बाकी है अमेरिका को? दो करोड़ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस पता लग जाएगा। छोटी वैल्यू ले ले रहे हैं, 1,000 रुपीस का माल बेचा, 900 रुपीस का माल खरीदा, मतलब एक्सपोर्ट करी 1,000, इम्पोर्ट करा 900, तो बैलेंस कितना बचा? तो वो जो बैलेंस बचता है उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतना बैलेंस बाकी है देना। ये ज़रूरी नहीं है हमारा, हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते और इम्पोर्ट कम करते तो मे बी फॉरेन कंट्री को हमें पैसा देना पड़ता। तो कुछ भी हो सकता है, या हमें उनको देना है या उन्हें हमें देना है, मगर कुछ बैलेंस बाकी है।
तो जहाँ पे भी बैलेंस बाकी है उस बैलेंस को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई बात समझ में? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसी में रिफॉर्म पीरियड लेकर आए। अब सेकंड वर्ड इसमें आ रहा है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी को ये मालूम है कि ये भी नहीं मालूम? डीवैल्यूएशन का मतलब है जब हमारी मनी वैल्यू कम हो जाती है मार्केट में। मनी वैल्यू कम होने से मतलब क्या है? जैसे सपोज एग्जांपल ले लो, हमने $1 50 का, अगर हम अमेरिका का $1 खरीद रहे हैं तो हम ₹50 अपनी इंडियन करेंसी उनको दे रहे हैं। अब बाय चांस हमारे को $1 हम अभी भी खरीद रहे हैं और अब हम उन्हें ₹60 दे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उनको। पहले जो चीज़ ₹50 में आ रही थी, अब वो चीज़ हमारे पास ₹60 में आ रही है, तो ₹10 मोर वी हैव टू पे। तो बताओ ये हमें फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ? लॉस। तो ये चीज़ जब हमें ज़्यादा देना पड़ा तो बताओ ये हमारी मनी वैल्यू इंक्रीज हुई कि मनी वैल्यू डिक्रीज हुई? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले अमेरिका वाले, हम अमेरिका से $1 का ही सामान खरीद रहे हैं, बट पहले हम $1 का सामान खरीदने में बस ₹50 दे रहे थे, अब $1 का सामान खरीदने के लिए हमें ₹60 देना पड़ रहा है। मतलब हमारी मनी वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो जब मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? डीवैल्यूएशन। आ गई चीज समझ में? डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? व्हेन, कब मनी वैल्यू डिक्रीज होती है? व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट, कब होती है? तो उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। दैट मीन्स वी हैव टू पे मोर मनी फॉर परचेजिंग सेम वेराइटी ऑफ गुड्स। तो इंडियन करेंसी वॉज डीवैल्यूड इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। तो हमारी कंट्री की वैल्यू क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग। इम्प्लाइंग दैट $US और पाउंड कुड बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज़। तो हमें अगर US का डॉलर खरीदना है या यूरोप का पाउंड खरीदना है तो हमें ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने पड़ रहे थे पहले से, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। और इम्प्लाइंग दैट $US या ब्रिटिश पाउंड कुड बाय मोर गुड्स, या तो फिर वो हमारे यहाँ से गुड्स खरीद रहे हैं तो उन लोगों को ज़्यादा गुड्स मिल जा रहा है। पहले वो $1 में बस ₹50 का सामान खरीद पा रहे थे, बट अब वो $1 में ₹60 का सामान हमारी कंट्री से खरीद पा रहे हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है हमारी कंट्री से सप्लाई बढ़ गई और हमारी कंट्री से डिमांड कम हो गई, तो ये चीज़ कहलाती है डीवैल्यूएशन। तो अब इस एक्सटर्नल सेक्टर में चेंजेस करी गई। क्या चेंजेस करी गई? एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट वॉज लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। अब उनने मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया है एक्सचेंज रेट को डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो अब जहाँ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रोज रेट फिक्स हो रहा है, कभी कम हो जा रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ये रिफॉर्म पीरियड लेकर आया गया फॉरेन एक्सचेंज में। पहले 1991 से पहले एक रेट फिक्स कर दिया तो वो रेट साल भर चलता था, अब साल भर तक आपको वही घाटा सहना पड़ रहा है। तो लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या करा गया? डेली बेसिस में चेंजेस कर दिए गए। तो डेली बेसिस में अब आप एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये रिफॉर्म पीरियड लेकर आए गए। आया समझ में? देखो अभी मैंने आपको पहले बताऊं, मैं जो जो पूछ रही हूँ मुझे बताते जाना। सबसे पहले डीवैल्यूएशन का मतलब समझ में आ गया है सबको अच्छे से? तो ये डीवैल्यूएशन का जो रेट फिक्स कर रहे थे कि हमें ज्यादा इंडियन करेंसी देनी है, ये कौन फिक्स करता था? डिमांड। मार्केट में गवर्नमेंट फिक्स करती थी, क्योंकि हमारी रेपो दूसरी कंट्री के सामने कम हो गई है, तो अब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया है कि हमें $1, पहले हम 50 का खरीदते थे, अब $1.60 का खरीदेंगे। तो ये एक साल तक फिक्स रहता था। तो जब 1 ईयर तक रेट फिक्स है आपका, तो जो ये इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, क्योंकि साल भर तक अब वो कोई चेंजेस ही नहीं कर सकते थे। तो अब रिफॉर्म पीरियड क्या लेकर आया? रिफॉर्म पीरियड ने कहा मनी आपकी
डी वैल्यू भी होगी, री वैल्यू भी होगी, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट हम उसको छोड़ दे रहे हैं मार्केट के दो फोर्सेस पे। मार्केट के दो फोर्सेस पे मतलब डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दे रहे हैं। डेली डिमांड और डेली सप्लाई के अकॉर्डिंग डेली रेट फिक्स होगा। जैसे आज देखो, आज रोज़ रेट फिक्स होता है, न्यूज़पेपर देखो या बिजनेस न्यूज़ देखो तो बिजनेस न्यूज़ में आपको रोज़ फ्लक्चुएशन दिखती है हमारी वैल्यू में। $1 कल इतने का था, आज $1 इतने का हो गया, तो रोज़ ये चेंजेस हो रही हैं। तो जहाँ अब आपकी मार्केट की इम्पॉर्टेंट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये चेंजेस लेकर आई गई 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कि मार्केट के दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई, ना कि गवर्नमेंट के रूल को। क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म का मतलब क्या है? ट्रेड मीन्स व्यापार करना, बिजनेस करना, इन्वेस्टमेंट मीन्स बिजनेस में पैसा लगाना। तो इनमें क्या चेंजेस करी गई? तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, उसमें भी सब्सटेंशियल चेंजेस हुई, मतलब बहुत सारी चेंजेस हुई। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस वालों को हमारी कंट्री में आने की परमिशन मिल गई, तो कंपटीशन बढ़ गया हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ का फॉरेन कंट्री के साथ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जब फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ आने लगी तो उन लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी, और जब वो हमारे यहाँ आने लगे तो वो अपने यहाँ की मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ लाने लगे, तो ये रिफॉर्म हुआ हमारे कंट्री में। डिसमेंटलिंग ऑफ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? पहले मैंने बताया था गवर्नमेंट फिक्स करके देती थी क्वांटिटी कि आप इतने गुड्स बना सकते हो, इतने बेच सकते हो। तो डिसमेंटलिंग मतलब इस क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया, अब हमें जितना इंपोर्ट करना है, जितना एक्सपोर्ट करना है, हम कर सकते हैं। रिडक्शन इन टैरिफ रेट, टैरिफ रेट मतलब टैक्स रेट, टैक्स रेट में कमी कर दी गई। जब टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस लेना कंपलसरी था, अब वो सिस्टम भी हटा दिया, इम्पोर्ट लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को हमारी कंट्री में आने के लिए। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी। जब हम गुड्स बेचते थे तो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता था जिसको कहा जाता था एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस करी गई जिसको कहा गया है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। आया समझ में ये भी? तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब सारी लिबरलाइजेशन टॉपिक क्लियर है? ओके, सो टुमारो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुमारो न्यू टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। आज हम यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं क्लास, ठीक है? Keep studying.